नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय शालामार हॉस्पिटल के साथ बाहर अपनी पार्टी के द्वारा शालामार हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार जिस तरह से काफी बार इस तरह के केसेस भी सामने आते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। देखिए, आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यूथ विंग जो है, आज जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्या को लेके, जो कि शालामार हॉस्पिटल में हमारे बॉर्डर एरिया के लोग, हमारे पहाड़ी लोग, हमारे लोकल लोग जो हैं, यहाँ पे प्रॉपर सुविधा नहीं ले पाते, उनके साथ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मिसबिहेव करती है और एक बेड पे जो है वो तीन तीन पेशेंट जो है वो लेटाए जाते हैं। ना यहाँ पे कोई वेटिंग हॉल है और मैं दिखता हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं हालों में लेटे पड़े हैं, ना कोई SOPs को फॉलो किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि 2.5 बिलो जो बच्चा प्री मेच्योर यहाँ पे पैदा होता है, उसके लिए एक वेंटिलेटर जो एम्बुलेंस है वो अभी तक मुहैया नहीं करवाई गई। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को अगर करना चाहते हैं कि आप ये सिचुएशन जो है लोगों के प्रति उनके लिए मुहैया करवाई जाए, नहीं तो हम एक पीसफुल आज जो प्रोटेस्ट है इसके आगे इससे उग्र प्रदर्शन होगा और हम हेल्थ कमिश्नर के साथ मीटिंग करेंगे और LG साहब तक जो है इनकी बातें सुनाएंगे कि क्या देखिए। अपोलो ला रहे हैं, एम्स ला रहे हैं, लेकिन हमारे SMGS, बक्शीनगर, गांधीनगर, काफी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हमारे पेशेंट जो हैं अंदर जाके बेचारे कुछ बोल नहीं पाते, उनके साथ बिहेवियर ऐसा किया जाता है कि वो चुप के चुप रहते हैं। गांव से आए हुए लोग जो हैं वो सिफारिशें करवा के लोगों की जो है अपनी ट्रीटमेंट करवाया जाता है। ऐसी सिचुएशन हमारी हेल्थ की बन चुकी है। हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की सुधरे, क्योंकि हमारे गरीब जो लोग हैं यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी जो है इलाज करवाने आएंगे, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये उन्हीं गरीबों के लिए बना है जो यहाँ पे अपना फ्री में इलाज करा सके। और ये जो अंदर बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ये गवर्नमेंट इंप्लाई हैं, इनका फर्ज बनता है कि उन गरीबों की मदद करें। अगर आप नहीं कर सकते तो उन नौकरियों से अपना इस्तीफा दे के अपना कहीं और काम काज करें। और यहाँ पे सीनियर डॉक्टर नहीं होते और वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है अच्छे तरीके से गरीबों को नहीं किया जाता। बात इनसे करेंगे कि क्यों आखिर मीडिया को भी प्रतिबंध है अंदर जाने के लिए। बंद करो, बंद करो। जी, हम लोग जो है राज्यपाल मनोज सिन्हा जी से कोशिश करेंगे मिलने के लिए कि सबसे पहले कहते हैं हेल्थ और वेल्थ जो इसका मेल जोल है वो बड़ा अच्छा है। अगर हमारे फ्यूचर जो हमारे बच्चे हैं इस हॉस्पिटल्स में जो पैदा होते हैं, उनकी जो माएँ हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए या बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए अगर हम लोग आज इनिशिएटिव ले रहे हैं तो आने वाले टाइम में यहाँ का सुधार जो है वो हो सकता है। और LG मनोज सिन्हा जी से मिलेंगे और हेल्थ के जो कमिश्नर हैं हमारे सेक्टर में बैठे उनसे भी मुलाकात करेंगे कि हमारी हेल्थ की जो समस्या है उसको हल करें। अगर आपने हल नहीं की तो हम लोग जो है वो रोडों पे आएंगे, क्योंकि लोग सबसे पहले हमारे लिए मान्य रखते हैं, ना कि हमारे लिए बड़ी बड़ी कुर्सियाँ, बड़े बड़े AC रूम्स, वैसा नहीं। अगर ऐसा आप करना चाहोगे तो हम आपके खिलाफ इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। गवर्नर साहब का दौरा होता है या कमिश्नर साहब का होता तो हॉस्पिटल की गाय बदल दी जाती है, बिल्कुल सफेद चादर में जिस तरह की बर्फ की चादर ओढ़ी होती है। जो ही इनका दौरा खत्म होता फिर पहले क्या हालात। देखिए, VVIP की जब कहीं मूवमेंट होती है, मैं हॉस्पिटल की पर्टिकुलर बात नहीं करूंगा, मैं और भी एरिया की बात करूंगा, वहाँ पे बड़ी लेपापोती होती है। वहाँ पे जो भी इनके मुलाजमात हैं वो एकदम से खड़े होते हैं, लेकिन जब उनको वहां से चले जाते हैं फिर वही सिचुएशन रहती है। जैसे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री यहाँ आना था उन्होंने, तो इस दौरे में कितनी अच्छी से लेपापोती की कि हमारे जम्मू कश्मीर को सजाया गया। वैसा ही मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिस्टम अच्छा रहना चाहिए। हेल्थ का जो हमारा सिस्टम है वो बहुत बुरा है। आप कोविड में देख सकते हैं कि हमारे लोगों के साथ किस तरीके का जो है सिस्टम खराब हुआ, कि कैसा व्यवहार हुआ। इसी तरीके से जो SMG का हॉस्पिटल की जो हालत है ये काफी देर से आप देख सकते हैं परेशान है लोग। कोई लोग बेचारे गरीब हैं या बॉर्डर एरिया से दूर दराज इलाके से आते हैं तो वो बेचारे बाहर ऐसे बैठे होते हैं जैसे कोई भीख मांगने के लिए आया हो। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल उन लोगों का है, गरीबों का है, जिनको अपनी समस्या लेके या जिनके पास पैसा नहीं है यहाँ पे फ्री इलाज करवाएं, लेकिन यहाँ पे भी जो है सिफारिशें की जाती हैं, ऐसी जो चीजें हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसे रहेगा हमारा कि आखिर मीडिया को क्यों प्रतिबंध लगाया गया। माना कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पर मीडिया को नहीं जाना चाहिए, ICU, CCU, इमरजेंसी वार्डो पर, जनरल वार्ड में मीडिया पर क्यों प्रतिबंध। देखिए, मीडिया एक ऐसी फोर्थ पिलर है हमारा की जो सच्चाई को जो है वो सामने लाता है। ये वो डर चुके हैं कि अगर मीडिया वहां पे आएगी तो सच्चाई से जो है पर्दाफाश हो जाएगा और इनकी जो नाकामयाबियां हैं वो लोगों के सामने आएंगी, तो लोग इनके प्रति जो है और अंदर आके प्रदर्शन करना शुरू करेंगे। ये
प्राइवेट हॉस्पिटलों में बाहर बुला के तो वो करते हैं ट्रीटमेंट की जांच। निकल कर सामने आई है, क्या लगता है देखिए ये नाकामयाबी मैं सिस्टम की समझू चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की समझू, ये उनकी ही नाकामयाबी है। बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं, अगर आपको गवर्नमेंट ने बिठाया या हम जैसे लोगों ने आपको वहां पे सपोर्ट करते हैं बैठाने के लिए, तो आप लोग उन गरीबों की समस्या क्यों नहीं सुनते। गरीब हमारे देखिए आज भी कईयों के बच्चे अंदर किस एंगल से पड़े होंगे, दो दो तीन तीन इकट्ठे पड़े होंगे। लेडीज हमारी जो है बहने माताएं, वो उनकी हालत आप देख सकते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। एक पठानकोट से मरीज आए थे, एक व्यक्ति था जिसके पिताजी का जो कि सुपर स्पेशलिटी में आए थे, पर उनको ये दाय दी थी कि आप चैरिटेबल हॉस्पिटल में करवाए, वहां जाकर 25,000 रुपया लिया उनसे, फिर भी ऑपरेशन के बाद परेशानी आई। तो क्या कहेंगे ऐसे डॉक्टर्स पर भी शिकंजा कसना जरूरी है। मैं कहता हूं डॉक्टर क्या ऐसे रिश्वत लेने वाले, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का हो कोई भी अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग करप्शन खत्म करने की बात करते हैं, हमने बहुत टीमें जो है वो गठित की है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे जाने गई है बच्चों की, तभी आज हम रोड पे आए हैं, हमें सुनने फोन आए हैं। हमारे जीएमसी में सरप्राइज विजिट किया था, अब आप एसएमजी भी आए हैं, क्या लगता है? बिल्कुल, हम लोग आज नहीं, हम लोग आगे भी आएंगे। जो हमने इनिशिएटिव आज लिया है वो आने वाले दिनों में हम इससे भी उग्र प्रदर्शन। अब कहीं ना कहीं अब सियासी पार्टियां हॉस्पिटल की तरफ भी रुझू कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं आए दिन हालात है। एसएमजीएच हॉस्पिटल की बात करें चाहे बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, लगातार जिस तरह के हालात, कुछ दिन पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे, एक डॉक्टर द्वारा ये कहा गया कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में यानी कि चैरिटेबल हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाइए और दो तीन दिन में आप फ्री हो जाएंगे, पर उनसे 25,000 रुपए एंटे, और 25,000 लेने के बाद भी उनके पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब होगी। तो ये कहा गया, हम डीएमसी में भी आपकी सिफारिश करेंगे। वो वीडियो डिलीट करने का हमें भी लगातार प्रेशर आया, पर जनता की आवाज सामने लाना हमारा कर्तव्य है। हम पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने की प्रयास करते हैं, क्योंकि हम जनता की आवाज और जनता हम पर भरोसा करती है। हमने वोट बैंक नहीं की राजनीति नहीं करनी, ना ही हमने किसी इलेक्शन में लड़ना, पर जहां तक जनता की बात आएगी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, लगातार बेबाकी से बोलते हैं और बोलते आएंगे। अब शिकंजा कसा जाएगा, अब सियासी पार्टियों का रुख होगा अस्पतालों की ओर, क्योंकि जब तक हेल्थ व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो आम जनता स्वस्थ नहीं होगी, और स्वस्थ नहीं होगी तो त्राही माम चलता रहेगा, क्योंकि कई जगह कई हॉस्पिटल्स के अंदर तानाशाही है। इसीलिए मीडिया को आने से प्रतिबंध लगाया गया, माना सीसीयू में मीडिया ना आए, माना आईसीयू में मीडिया ना आए, माना गाइनिंग में मीडिया ना आए, माना इमरजेंसी में मीडिया ना, पर जनरल वार्ड में ऐसे कौन से आपके लूपहोल छुपे हैं जिसके जाने से मीडिया उसे एक्सपोज करेगी और आपको उसी डर के तले जी रहे हैं, और इसीलिए आप मीडिया को अंदर आने की अनुमति नहीं देते, ये बड़ा सवाल रहता है। तो फिर जनता किसके आगे गुहार लगाएगी? इसी के चलते आज अपनी पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया, जो कि गवर्नमेंट जो एसएमजीएस हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि जो डॉक्टर्स यहाँ के जो बाकी स्टाफ है वो अच्छी तरह से आम जनता को नहीं करता। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।